हेलो एवरीवन, दिस इज रुपेश पॉल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दैट आज का वीडियो होने वाला है फोर व्हीलर ट्रायल के ऊपर। आज मैं जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस। आज से ठीक एक महीने पहले मैंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। सो आज का डेट मुझे मिला है, टुडे इज 18th September। मे बी द वीडियो विल अपलोड लेटर और मैं आपको बताऊँगा एवरी माइन्यूट डिटेल कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने ट्रायल टेस्ट के लिए जा रहे हो, और आप एक ही बार में ट्रायल कैसे पास हो जाते हो उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं खुद फिलहाल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं टेस्ट पास हो जाऊंगा, बट आफ्टर गिविंग द टेस्ट आई विल टेल यू द प्री रिक्विजिट कि क्या क्या लेके जाना चाहिए ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड किस बात का ख्याल रखना चाहिए, पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारे ड्राइविंग स्कूल के पास और यहीं पे आरटीओ ऑफिस है। तो ये है मेरी ड्राइविंग स्कूल। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन है। ये एक वेला लड़का जो मेरे घर के बाजू में रहता है, निहाल। हाय बोल दे। तो ये अभी फ्री था, इसको भी थोड़ा सा काम था। तो ये मेरे साथ आए, सो देखते जल्दी रैपअप करने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, आई एम बैक। सो फाइनली मेरा ट्रायल ख़त्म हो चुका है, बट मैंने मचा दिया एक भसड़, क्योंकि आपको तो पता ही है, आपने अभी तक वीडियो जो मेरे देखे होंगे, मेरा कोई भी काम सिंपली जाता नहीं एक ही फ्लो में। सो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं इतने दिन से चला रहा हूँ मेरी काइगर और मेरा जो पूरा हाथ इसमें फ्री हो चुका है, मेरा पूरा होल्ड ऑन नहीं है मेरी गाड़ी पर। क्योंकि बट यहाँ पर जब मैं गया तो मैंने देखा ऐसा एक टी शेप रोडवे है, वहाँ पे आपको रिवर्स लेना होता है, राइट लेना होता है, फिर स्ट्रेट करके वापस, फिर देन वापस लाना होता है, इतना सा करना होता है। तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा अपने गाड़ी को लेके, बट मैंने पूछा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को मेरे ड्राइविंग स्कूल के। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी मत लेके जाइए, गाड़ी थोड़ी बड़ी है, शायद वो आपको दिक्कत हो जाएगी वो ट्रैक के अंदर लेने में। मैंने सोचा यार ठीक है। तो जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने देखा तो कोई एक और ही गाड़ी थी, वो गाड़ी नहीं थी जिसमें मैंने अपनी ड्राइविंग करी है, जिसमें मेरी ड्राइविंग मैंने एक महीना जो सीखी थी, वो गाड़ी नहीं थी, वो कोई और ही गाड़ी थी। और फिर मैं हो गया नर्वस। सो अब हो क्या गया कि मैंने जब मेरा टर्न आया तो मैंने सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा। एकदम से जब मैंने ड्राइवर सीट में मैं बैठा तो मैं एकदम नर्वस हो गया देख के कि यार ये तो बहुत ही अलग है। अभी तक मैं अपनी गाड़ी चला रहा था तो इसका कंफर्ट, इसका सेटिंग पूरा मेरे हिसाब से, वहाँ पे बैठा तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया पहले तो। लेकिन जब मैं रिवर्स लिया तो जो ट्रैक में थोड़ी सी मेरी जो टायर है गाड़ी की वो टच हो गई थी, तो थोड़ा मुझे आगे लेके वापस आना पड़ा। यूजुअली एक ही फ्लो में तुमको पीछे आना होता है, रिवर्स लेना होता है और सीधा आके वापस टर्न लेना होता है। तो वो मैंने उतना स्मूथली नहीं करा जितना होना चाहिए, जितना मुझे लग रहा था मैं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे मैंने कर दी गड़बड़। फिर अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो है पेंडिंग पे। तो मुझे मेरे ड्राइविंग स्कूल वालों ने बोला है कि तुम जाके ऑफिस में वेट करो, तो मैं आता हूँ और वो फिर मुझे बताएंगे। सारे जो लड़के थे, जितने लोगों ने वहाँ पे टेस्ट दिया, सबको भेज दिया। मैं और एक लड़की है, ये हम दोनों को बस अभी बिठा के रखा है, हमारा डिसीजन पेंडिंग है। तो वेट कर रहा हूँ, फिंगर क्रॉस्ड। मतलब यहाँ से अगर मैं फेल होके गया तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती मेरे लिए। सारा कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ यार, मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा तो बहुत ही खराब लगेगा। गजब बेइज्जती है। एक्सेप्ट फॉर पांचवी क्लास, मैं पांचवी क्लास फेल हो गया बाय द वे। उसके बाद कभी मैं फेल नहीं हुआ टिल माय इंजीनियरिंग। और अभी अगर मैं इसमें फेल हो जाऊँ, घर वाले मुझे कोसेंगे इतने दिन से चला रहा है। मेरा गेट देखा होगा आप लोगों ने, कितना स्मूथली मैं एंटर करता हूँ और एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे मैं हक दूंगा तो दैट्स वेरी बैड मैन। मतलब देखते हैं अभी होता हो कि नहीं पास में। हे गाइस, सो मैं आ चुका हूँ वापस। सॉरी, तो मैं आ चुका हूँ वापस। गेस करो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो रिजल्ट पास है, वो कह तो रहे कि हो जाएगा। सो लेट्स सी। मेरा दोस्त आ चुका है निहाल। अच्छा निहाल, अंदर बैठ जा, ब्लॉक कर रहा था मैं। भाई पास हो गया तेरा? बढ़िया है ना भैया। हाँ, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैंने बाकी सबको तो बता दिया है, तुझे बता दो। तो अभी मैं हो चुका हूँ पास, तो मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ क्या क्या प्री रिक्विजिट है
ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल देने से पहले आपको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अगर आप सिर्फ फोर व्हीलर लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका टू व्हीलर का जो लाइसेंस है वो आपको लेकर आना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो आपको ऐसे जाना है, आपको वो लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मेरे केस में मुझे टू व्हीलर का लाइसेंस मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो मुझे चाहिए था ओरिजिनल। वो सबमिट करना होता है हमको, फिर वो इंडोर्स करके एक ही लाइसेंस देते हैं जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों वैलिड है, ठीक है। तो वो आपको लेके जाना है, टू व्हीलर का ओरिजिनल लाइसेंस लेके जाना है। आपको आपका लर्निंग लाइसेंस लेके जाना है, वो लाइसेंस जो आपका सबसे डे वन में बनता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ई रिसीट लेके जानी है, जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है उसका रिसीट, पेमेंट कितना आपने किया है वो उसका एक रिसीट बनता है, फॉर्म निकलता है, वो लेके जाना है। उसके साथ अटैचमेंट में होता है फॉर्म 2 एंड फॉर्म 8, ये आपको वहीं से मिल जाएगा, प्रिंटआउट मिल जाएगा ये फॉर्म का जो आप अप्लाई करते हो, तो वो लेके जाना है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपका अपॉइंटमेंट रिसीट मिलता है, तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। या दैट्स ऑल, इतना आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना है। अगर आप ड्राइविंग स्कूल के थ्रू जा रहे हो तो फिर आपको तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा वही मेंटेन करते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो लाइसेंस के लिए तो आपको ये चीज़ें कैरी करनी ज़रूरी है। सीधा आपको जाना है फिर इंस्पेक्टर रूम में, वहाँ पे सबमिट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है जिसमें आपका हैंड्स ऑन ऑलरेडी है तो वही गाड़ी लेके जाए, उसी से आपका टेस्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, और एक ही बार में रिवर्स और फ्रंट लेना एंड यू आर पास, सिंपल। सो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होता है यही पे। जब भी आप अप्लाई करने के लिए जाओगे लाइसेंस, या फिर जब भी ट्रायल देने जाओगे, ये वीडियो काम आएगा, तो इसको सेव करके रख लो, फिर से देखना इसको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।